हाय नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और नए साल में एक नया संकल्प लिया है, सोच लिया है कि मैं इस नए साल में घर छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़कर नहीं जा रही, इनको घर वालों ने निकाल दिया है। सच नहीं बताना था, इसने सच बता दिया कि मुझे घर वालों ने निकाल दिया मुझे ले जाने के लिए। तो ये देखिए, ये 3 कप हैं जो मैं लेके जाऊंगी। इसी में पानी पीऊंगी, इसी में चाय पीऊंगी, इसी में कॉफ़ी पीऊंगी, जो भी मिलेगा मैं बस पी लूंगी, लेकिन इसी में पीऊंगी। 3 बॉटल्स हैं जिसमें मैं पानी पीऊंगी। कि जो है चिक्की दी है इन्होंने मुझे खाने के लिए, कि रास्ते में कहीं तुम्हें भूख लगे तो चिक्की खा के। मैगी दी है जो 2 मिनट में तो नहीं बनती है, कितने भी मिनट में बनेगी, हम मैगी बना के खा ले। देखिए मुझे कॉफ़ी भी मिल गई है, और क्या है ये देखिए, बिस्किट भी दे दिया है। देखिए मुझे चाय मिल गई है, मुझे टिश्यू मिल चुका है। अब बस मुझे यहाँ से निकलना है। रहा है बहुत ज़्यादा इस बात का कि मुझे घर से निकाला जा रहा है। ये जो बड़ा वाला बैग आप देख रहे हैं, इसमें भी मेरा थोड़ा बहुत सामान है। मुझे जो दिल पे मेरे चोट लगी है उसे बांधने के लिए, जिंदगी के सफर में मेरे बाल अगर गंदे हो गए और उसमें मेरे सर में जो है जुए पड़ गई, तो ये देखिए कंघी भी मुझे साफ कर लेना पड़े। इस घर में वापस मत आना। मैं दिया जला के भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे अच्छा घर मिले, और यहाँ से निकलने के बाद मैं आराम से रह सकूँ। और ये गुल्लक फोड़ के निकाले गए पैसे वाला बैग है, जो अभी मैं दिखा नहीं सकती कि इसमें कितने पैसे हैं, पर जितने भी हैं मुझे इसमें काम चलाना ही हूँ। मोबाइल नहीं मिला, लेकिन मोबाइल का डिब्बा है मेरे पास, तो मैं काफी खुश हूँ। आज अगर डिब्बा मिला है तो एक दिन मुझे मोबाइल जरूर मिल जाएगा, इस बात की मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। जिंदगी के इस सफर में जब मैं घर छोड़ने का फैसला कर ही चुकी हूँ, तो मैंने अपने साथ माचिस भी ले ली है कि जब भी मुझे जिंदगी की राह में अंधेरे मिलेंगे, मैं इस माचिस को जला के उजाला कर लूंगी। मेरे हाथों में दी गई है कि जो है अगर एक से अंधेरा ना जाए तो दूसरे से जला लेना, पर घर वापस मत आना। और जिंदगी की राह में जितने भी अंधेरे मिले इस माचिस से उसको मिटाती जा। दोस्तों और मित्रों, वैसे तो मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, पर मैं मजाक को जाते हुए साल में गाली नहीं देना चाहती हूँ, वरना मैं बहुत सारी गालियाँ देना चाहती हूँ और बहुत गंदी वाली देना चाहती हूँ मोना को, पर जाने दो, खा लो लो। पर मैं नहीं दूंगी। को बनाया है कि मैं दूसरों को बस मन में गालियाँ देती हूँ, और जितनी चाहे उतनी दे देती हूँ, बस सामने से नहीं देती, इसलिए मैं अच्छी लड़की हूँ। तो मेरा आप लोग भी अच्छी लड़कियाँ बनिए, अच्छे लड़के बनिए। गालियाँ दीजिए पर मन में दीजिए, किसी के मुँह पे गालियाँ मत दीजिए, ये अच्छे संस्कार नहीं है। मैं ये वाली आँख में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा लग रहा था कि दर्द तो हो रहा है, पर सुबह जब मैंने देखा तो इस वाली आँख में, आप देख सकते हो इस वाली आँख में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सारे के सारे कबाड़ी भरे हैं, तो भी सारे कबाड़ी इकट्ठा हो गए, आपको ना थोड़ी कम आएगी, थोड़ा शांत हो जाता है माहौल, तब मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतना ही आलू मिला है राशन के लिए, तो रास्ते में जिंदगी की राहों में जो भी रास्ते मिलेंगे मुझे, उसमें मैं आलू भून के भी खा, फ्रेंच फ्राई भी बना सकती हूँ। दोस्तों जिंदगी की राहों में अचार की जरूरत हमेशा पड़ती है। दोस्तों जिंदगी की राहों में हमें ओट्स मिला है खाने के लिए, ऐसा बहुत कम किस्मत वालों को मिलता है, ज्यादातर लोग खिचड़ी या फिर तहरी पे निर्भर करते, पर हमें ओट्स मिल गया। इसे टूथपेस्ट मिल गया है, ज्यादातर लोग दातून करके काम चलाते हैं, पर मैं डाबर रेड करूंगी, इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है। दो टाइम करो दोस्तों, ये दिन में 3 बार जिंदगी की राह में 3-4 बार कर सकती हूँ। ब्रश की राह में जैसे एकदम तन्हा है, वैसे दलिया भी मुझे बिल्कुल तन्हा सा मिला है। दोस्तों मैं इसको ना सिर्फ देख के काम चलाऊंगी, अगर कभी मन किया तो थोड़ा सा ओट्स में ऐसे जैसे हींग डाली जाती है वैसे इसका काम चलाऊंगी, पर मैं जिंदगी की राह में तन्हा नहीं हूँ। जिंदगी की राह में पोहा मिल गया है, बचा हुआ जो भी घर का सामान बच गया है वो सब मुझे मिला है, क्योंकि मैंने घर छोड़ने का फैसला अचानक से किया। तो इसको इश्क हो जाता है, तो उसको कहते हैं नमक इश्क का, पर ये टाटा नमक है, तो मेरे पास इश्क का नमक नहीं है, पर कोई बात नहीं, इस नमक की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। इश्क का नमक मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिलहाल टाटा नमक खाने से दिमाग तेज होता है, और मुझे दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आयोडीन की भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि राह में खटाई किसको मिलती है। डब्बे भर के मुझे खटाई मिल चुकी है, जिंदगी की राह में क्या क्या और मिलेगा मैं देख खाती रहती हूँ। जिंदगी की राह में टेढ़े मेढ़े भी मुझे मिला है, क्योंकि राह में मुझे बादाम मिला है, और क्या ही चाहिए। घर छोड़ने पर इतनी सारी खुशी मुझे मिलती है, ये मैंने सोचा नहीं था, मैं पहले ही घर छोड़ के चली जाती। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हो गया नेक्स्ट डे, और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है, उसका रीज़न है मेरी ये आँख, क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ईचिंग हो रही है और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको दिखाया कि मैंने घर छोड़ने का जो फैसला किया है,
पर वो मजाक था गाइस, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ। चिक्की अपना घर छोड़ के वापस घर पे आ गई है रहने के लिए, तो उन्हीं का सामान था जिसके साथ हम लोग बस मस्ती कर रहे थे। पर ऐसी नौबत अभी तक आई नहीं है कि मुझे घर छोड़ना पड़े, और छोड़ेंगे नहीं, जाना एक अलग चीज़ होती है, छोड़ना एक अलग चीज़ होती है। तो छोड़ने का तो कोई फैसला ऐसा है मैंने किया नहीं, और सवाल ही नहीं उठता कि मैं कभी घर छोड़ूंगी। हाँ, अगर मेरा दिल किया कहीं जाने का तो मैं जहाँ भी जाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, और करती रहती हूँ। सभी सब्सक्राइबर को दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। आने वाला साल बस 2 दिन में आने वाला है, तो चिक्की से मैंने पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो वो कह रही है 32 है। तो गाइस 32 के बाद हो सकता है एक आ ही जाए, 24 को तो आना ही है। आज फिलहाल हम कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, व्लॉग यहीं तक है गाइस, तब तक के लिए बाय।